हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना। मैं आपको बताने जा रही हूँ आज हम घर में टमाटर कैसे लगा सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे मिट्टी ले रखी है, सिंपल मिट्टी है, कुछ भी नहीं है इसमें। जो सिंपल हमारी गार्डनिंग मिट्टी होती है ये वही मिट्टी है। और इसमें जो है सिंपल प्लेन मिट्टी है। मैंने टमाटर को इस तरह से स्लाइसिस में काट रखा है। तो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल स्लाइसेस ऐसे रख दीजिए, जो घरों में इजीली लगाए जाते तरीका ये वो तरीका है। और इसमें कुछ टाइम बाद इनमें जो आपके बीज है इसमें स्प्राउट्स निकलने चालू हो जाते हैं। एक दूसरा तरीका है वो है ये बीजों से इसका पल्प जो है, आप इसके पल्प को लें इधर की तरफ। जैसे ये मैं आपको यहाँ पर बीज में पार्ट करके दिखा देती हूँ। ये आप इधर डालें और इनको आराम से इसमें मिक्स कर दीजिए बीजों को। ये इसके बीज हैं, ये मैंने यहाँ से उठाए, ये इसमें यहाँ पर डालें। इसको इसमें धीरे धीरे मिक्स कर दीजिए। अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगे, इनमें से कुछ ख़राब भी होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ इसमें पौधे निकलेंगे। जो आपको सही लगता है वो अपने गार्डन के लिए रखिएगा, इस हिसाब से तरीका है। और एक तरीका होता है आप बाज़ार से बीज खरीद के भी लगा सकते हैं, फर्मेंटाइजेशन के थ्रू होता है वो, ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उसमें बीमारियाँ थोड़ा कम लगती हैं। मैं आपको बताऊँगी वो कैसे करे जाते हैं। तो उसके बाद में आपने सिंपली डालने के बाद इसमें थोड़ी सी मैं ऊपर से खाद डाल दूँगी। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाएगा। बहुत आसानी से आप घर में अपना लगा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद इसमें छोटे छोटे से उनको फूटने शुरू हो जाएंगे बीजों में, और फिर आप देखेंगे कि आपके छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो गए हैं और आपका टमाटर का पौधा आसानी से लग जाएगा। और अगर आपको बीज बनाने के रखने हैं तो आपके पास जब भी अच्छी क्वालिटी का टमाटर आए, जो भी आपको पसंद हो, जो भी, तो आप उसमें से उसके बीजों को निकालिए। उनको आप एक किसी भी बर्तन में, जैसे सपोज़ आपने इस गिलास में सिंपल डाला, उसको रख दिया ढक के ऐसे ही सिंपल, थोड़ा सा ऐसे उसमें से बदबू होगी कुछ दिनों तक, कुछ दिनों के लिए उसे कहीं ऐसे रख दीजिए कि आप किचन में वहाँ सिंक के दीवार नीचे की तरफ रख लीजिए। उसके बाद में उसमें फंगस आ जाएगी, तो आप उसको फंगस को हटाइए, उसको अच्छे से धो लीजिए। और धो के फिर ये जो बीज हैं फिर ये अलग अलग हो जाएंगे इसमें से। फिर इन बीजों को आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इन बीजों में काफ़ी हद तक, क्योंकि फंगस लग चुकी होती है तो इनमें बीमारी लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो आपका टमाटर का पौधा बहुत अच्छा होता है। वैसे आपके टमाटर के पौधे इस तरीके से भी आपके बहुत सही हो जाते हैं। आप इसमें जो है नमी बना के रखें और आपका टमाटर का पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। थैंक यू।